हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइप ट्यूटोरियल्स, और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइज, ये हमारी HTML टैग ट्यूटोरियल की हिंदी उर्दू सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ेंगे टेबल टैग और साथ में उसके कुछ सब टैग्स, जैसे कि TH, TD, TR, T-head, T-body, etc. तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइज। अब बात ये आती है कि टेबल टैग होता क्या है। देखिए, टेबल टैग से हम अगर अपने वेब पेज में कोई स्ट्रक्चर्ड डाटा शो कराना चाहें तो वो हम टेबल के थ्रू कराते हैं, या फिर यूं कहिए कि कुछ डाटा अगर हम सीक्वेंस में शो कराना चाहें तो वो भी हम टेबल के थ्रू करा सकते हैं, जैसे कि इंक्वायरी फॉर्म्स जनरेट करना या टैग्स और फोटोज के साथ कोई ग्रुप या सीक्वेंस तैयार करना। इस तरह का हम स्ट्रक्चर्ड डाटा टेबल से तैयार करते हैं। यहाँ पर एक बात और समझ लें कि कुछ लोग टेबल से पूरी वेबसाइट का लेआउट तैयार करते हैं, लेकिन हमें लेआउट तैयार नहीं करना। लेआउट तैयार करने के लिए हम CSS का यूज़ करेंगे, ठीक है। टेबल को सिर्फ स्ट्रक्चर डाटा या सीक्वेंस डाटा शो कराने के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो गाइज, मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और इसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे गूगल क्रोम में। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्रिएट किया टेबल, और टेबल के अंदर देखिए रो जनरेट करनी होती है सबसे पहले, तो उसके लिए हम एक टैग होता है TR, तो TR क्रिएट किया। TR के बाद हमने TR को बंद कर दिया, और इसके अंदर TR के अंदर हम कॉलम डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं TD का, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर TD, और TD के बाद TD को हमने बंद कर दिया। और यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर सीरियल नंबर, और इसके बाद यहाँ पर फिर मैंने एक और TD स्टार्ट किया, और TD के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया आइटम लिखने के बाद में, और यहाँ पर फिर मैंने एक और TD स्टार्ट किया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने रेट, और रेट के बाद देखिए यहाँ पर TR पूरा कंप्लीट। लेकिन अब मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद में जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये तो दिख रहा है कि सीरियल नंबर, आइटम और रेट। लेकिन अब मैं इसका बॉर्डर चाहता हूँ, तो मैं बॉर्डर के लिए यहाँ पर हेड में CSS से बॉर्डर लगा देता हूँ। अगर आपको CSS नहीं आती है कोई बात नहीं, जितना मैं कर रहा हूँ उतना आप करके देख लें। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ स्टाइल, टैग लगाते हैं स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं TABLE टेबल, और कॉमा लगाकर मैं लिखता हूँ TH एंड TD, और इसके बाद मैं यहाँ इसमें लिख देता हूँ बॉर्डर, BORDR बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद मैंने लिख दिया वन पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पर मैंने कलर कर दिया इसका ग्रीन, सॉलिड ग्रीन कलर कर दिया मैंने, और इसको सेव किया। और सेव करके रिफ्रेश करें तो देखिए वन पिक्सल सॉलिड ये जो है ग्रीन कलर का बॉर्डर बन गया। तो अब एक बात यहाँ पर ये देखें कि बॉर्डर काफ़ी चौड़ा आ रहा है, तो मैं इसको सॉलिड बॉर्डर कर देता हूँ एक ही जगह पर, इसका जो स्पेस है बॉर्डर का वो ख़त्म कर देता हूँ, तो वो भी CSS से कर देता हूँ मैं। अगर आप देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया बॉर्डर स्पेसिंग, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद मैं इसे सेव करता हूं, और सेव करके रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए ये जो है इस तरह से बन गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखिए नीचे जो मैं टेबल पे काम कर रहा था उसकी बात करते हैं। तो ये एक आपकी रो बन गई, अब मैं दूसरी रो बनाता हूं। देखिए पूरे TR को मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां से Ctrl+C करता हूं, Ctrl+C करके और यहां पर आते हैं, इसे करते हैं Ctrl+V पेस्ट, और फिर एक बार और हम पेस्ट कर लेते हैं Ctrl+V, और एक बार और पेस्ट कर लेते हैं Ctrl+V। मैंने 4 बार Ctrl+V पेस्ट किया, और सीरियल नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया देखिए 001, और आइटम में डाल दिया मैंने मोबाइल, और यहाँ रेट में डाल दिया मैंने 8000, और नीचे आए, और नीचे आने के बाद सीरियल नंबर में मैंने डाल दिया 002, और यहाँ पर मैंने डाल दिया चार्जर, और चार्जर डालने के बाद में मैंने रेट दे दिया इसको, रेट कोई नहीं 0 रेट है इसका, चार्जर का साथ में आता है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया 003 आइटम नंबर, और यहाँ पर मैंने ये दे दिया साहब लैपटॉप, और लैपटॉप के रेट मैंने यहाँ पर दे दिए 20,000, और इसको मैं सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करके देखता हूँ, देखिए ये पूरी एक टेबल बनकर तैयार हो गई। तो यहाँ पर मैं एक बात और समझा दूँ आपको, ये जो ऊपर सीरियल नंबर, आइटम और रेट देख रहे हैं, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, मींस हेडिंग बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ टेबल में देखिए जो TD लिखा है इसकी जगह हम TH कर देंगे, ठीक है।
तो गाइज अगर आप ये वाला टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, तो कैसे करेंगे, देखिए कंट्रोल दबा के यहाँ पर और ऐसे आप क्लिक करें इस तरह से, और यहाँ पर भी आप ऐसे कंट्रोल दबा कर क्लिक करें, और उसके बाद सिर्फ एक बार में ही आप बैक स्पेस देखें एच लिख दें तो सब में एक साथ लिख जाता है, देखिए यहाँ पर लिख के तैयार हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं, इसको आप सेव करें और सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करें तो देखिए ये सीरियल नंबर आइटम रेट ऊपर बोल्ड हो गए। मैं क्या करता हूँ, एक और रो बना लेता हूँ जिसमें मैं टोटल लगाता हूँ, तो हम नीचे चलते हैं यहाँ पर एक बार और इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके कंट्रोल सी और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट, और इसके बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ, देखिए इसको खाली छोड़ देता हूँ पहले वाले को, और दूसरे वाले में दे देता हूँ मैं यहाँ पर ग्रांड टोटल मैंने दे दिया, और यहाँ पर मैंने रेट दे दिए इनके जो बने टोटल, तो मैंने इसका बताया 28,000, और इसको हम सेव करते हैं। सेव करके जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर तो देखिए ये यहाँ से ग्रांड टोटल और 28,000 हो गया। अब आप यहाँ पर ये देखिए, तो टेबल का जो ऊपर का पार्ट है ये तो है हेड, और ये है बॉडी, और नीचे जो पार्ट है ये है फुटर, तो इसको भी हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट हेड है, कौन सा पार्ट बॉडी है, कौन सा पार्ट फुटर है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर आप जो है टी आर से पहले आप लगा दीजिए यहाँ पर टी हेड, टी हेड लगा दिया आपने, और ये टी हेड को आप यहाँ बंद ना करके इसके बाद यहाँ बंद कर दीजिए, ऐसे टी हेड को बंद कर दिया, और इसके बाद में यहाँ पर आप स्टार्ट कीजिए टी बॉडी, टी बॉडी, और टी बॉडी स्टार्ट करने के बाद ये टी बॉडी को अपने यहाँ बंद नहीं करना, लास्ट में आकर जहाँ आप टी बॉडी ये फुटर स्टार्ट होगा उससे पहले आप टी बॉडी को बंद कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपने टी बॉडी बंद कर दिया, और उसके बाद में आप यहाँ से टी फुट स्टार्ट कीजिए, टी फुट, और टी फुट स्टार्ट करने के बाद में ये जो है टी फुट को आप लास्ट में बंद कर दीजिए टेबल में। तो अब ये इससे देखिए यहाँ पर जैसे हम इसको सेव करते हैं और सेव करके देखो यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि ब्राउजर को ये समझ आ गया कि टेबल का हेड कौन सा है, बॉडी कौन सा है, फुटर कौन सा है, और जब सर्च इंजन में हम सर्च करेंगे तो सर्च इंजन को भी ये समझ में आ जाएगा कि इस टेबल का हेडर कौन सा है, फुटर कौन सा है, और बॉडी पार्ट कौन सा है। तो ये सर्च इंजन और ब्राउजर को बताने के लिए है। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मोबाइल का रेट अलग है और चार्जर का अलग है, तो चार्जर का जीरो है लेकिन दोनों साथ आते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि दोनों का एक रेट हो जाए, यानी एक रो बन जाए, तो वो कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर आप आइए जहाँ पर 8000 लिखा है TD में, और यहाँ आके लिख दीजिए यहाँ पर लिखिए रो स्पैन, रो स्पैन आपने लिखा और रो स्पैन को कर दिया आपने टू, टू रो स्पैन हो जाए, दो रो जो है मर्ज हो जाए। और इसके बाद जो नीचे वाली रो है देखिए अभी आप सेव करें, पहले सेव करके देख लें, तो देखो जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पर तो देखो ये एक हो गई रो लेकिन ये जीरो आ गया, तो जीरो वाली रो को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ऐसे ये आपने डिलीट कर दी, और डिलीट करने के बाद आप इसे सेव करें, और सेव करने के बाद जैसे ही देखेंगे तो देखिए ये एक रो बन चुकी है, दो रो जो थी वो स्पैन हो गई, एक रो बन गई। अब यहाँ पर आप देखिए ये दो कॉलम है, एक कॉलम ये खाली और एक कॉलम ये, मैं चाहता हूँ ये कॉलम एक हो जाए, दोनों ग्रांड टोटल वाला कॉलम एक हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये दो कॉलम है, ये वाला पहले वाले को आप डिलीट कर दीजिए, और डिलीट करने के बाद इस ग्रांड टोटल के जो TD है इसमें आप लगा दीजिए कॉल स्पैन, कॉल स्पैन लगा के और बता दीजिए दो, तो ये कॉलम जो है दो का स्पैन कर देगा, दो कॉलम एक जगह जुड़ जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। सेव किया और रिफ्रेश करें तो देखो ये हो गया कॉल स्पैन। तो गाइज इस तरह से काम करता है टेबल टैग। गाइज यहाँ पर एक बात और समझ लें कि टेबल टैग TR, TD और TH में पहले बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज होते थे, लेकिन अब HTML 5.0 में ज़्यादा एट्रीब्यूट्स यूज नहीं होते हैं। यहाँ पर भी मैंने दो एट्रीब्यूट यूज किए हैं, रो स्पैन और कॉल स्पैन। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही है। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर आपने कुछ कहना है, कुछ बताना है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। गाइज अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।